हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है और अलग सा सब्जेक्ट है। ऑल्दो ये भी बच्चों के अराउंड है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, शॉपिंग से रिलेटेड है। पूरा एपिसोड एंड तक देखिएगा, क्योंकि उसका जो फैशन शो है वो लास्ट में मैंने सारे एक जो उसके वीडियोस हैं वो क्लब करके डाले हैं। तो क्योंकि नवरात्रि आ रही है और उसके बाद फिर दिवाली आएगी, और ये टाइम होता है जब बच्चों को एथनिक कपड़े पहनने का और एकदम ही मतलब ट्रेडिशनल लुक में प्रेजेंट करने का या फिर उनको देखने का मौका मिलता है। क्योंकि हालांकि अगेन बिकॉज ऑफ कोरोना एंड कोविड अभी कहीं पे भी कन्या मतलब खिलाने नहीं जा पाएंगे आद्या को, और ना ही शायद कोई कर पाएगा यहाँ पे इस सिचुएशन में। पर स्टिल क्योंकि नवरात्रि है और बच्चों को एक्साइटमेंट होता है, पता है कि दुर्गा पूजा का टाइम है, तो इस टाइम पे जो है छुट्टियां हो जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होंगे उसके। तो मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर किए हैं आद्या के लिए, कुछ एथनिक कपड़े, और कुछ ऑलरेडी उसके पास हैं। तो आज मैं वो कलेक्शन आपको दिखाने जा रही हूँ एंड आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज मैंने कहाँ से ली है, ताकि अगर आप लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये एपिसोड। तो मैंने आद्या के लिए ऑर्डर किया है दो ड्रेसेस जो कि मिंत्रा से है। तो मैंने अभी तक ये पैकेट खोला नहीं है, तो मैं अभी ये पैकेट खोलने जा रही हूँ। तो खोल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है और कैसा है वो कपड़ा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दो सेट है ड्रेसेस का, एक ये मरून कलर का एक ड्रेस है और एक और ड्रेस है जो पर्पल एंड पिंक में है। तो मैं एक एक करके दोनों खोलती हूँ। तो ये पर्पल कलर का एक कुर्ता है जो आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ। ये फ्रॉक टाइप का एक कुर्ता है, बहुत ही प्यारा सा है, क्यूट सा लग रहा है ये। और नीचे जो है यहाँ पे मतलब लेस लगा हुआ है और कॉटन में है, जो कोटा कॉटन जिसको बोलते हैं उस टाइप का कॉटन है। और अंदर जो है यहाँ पे लाइनिंग भी दी हुई है इसमें, ताकि वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट ना लगे। तो ये कुर्ता है और इसके साथ आया है ये रानी कलर का एक धोती पैंट। मैंने थोड़ा बड़ा साइज मंगा लिया है, तो शायद मुझे लग रहा है कि आद्या को ये बड़ा होगा। तो ये धोती पैंट के नीचे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्पल कलर में ही एक ट्रायंगल वाला ये लेस लगा हुआ है, बहुत क्यूट सा लग रहा है ये। तो अभी आद्या पहनेगी तो फिर मैं देख पाऊंगी कि ये उसको कैसे फिट होगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे लगेगा। दिखा देती हूँ, ये है इसका कुर्ता और ये इसका धोती पैंट। तो बहुत क्यूट सा है ये, मैंने मिंत्रा से मंगाया है। तो इसकी जो परचेज लिंक है जो वो सारी चीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी, ताकि आप उसको परचेज करना चाहें, इस टाइप का कुछ परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने मंगाया है एक और ड्रेस जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मरून कलर में है। ये कॉटन सिल्क मटेरियल है एंड दिस इज द कुर्ता, जो अंगरखा स्टाइल में इसका कुर्ता है और गोटा पट्टी का काम किया हुआ है इसके ऊपर, स्टार्स लगे हुए हैं यहाँ पे, गोटा पट्टी का काम किया हुआ है। और इसके साथ जो है लेगिंग्स नहीं है, बल्कि ये एक पैंट स्टाइल का मतलब पैंट है। नीचे इसमें सिंपल सा एक वो लाइनिंग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि आद्या के लिए एकदम फिट है ये साइज। शायद वो धोती कुर्ता, धोती पैंट और वो पर्पल वाला कुर्ता शायद उसके लिए बड़ा हो। तो लेट्स सी, मैं उसको पहनाऊंगी तो पता चलेगा। तो ये जो है मेरा जो सेट है ये मिंत्रा से आया है। अब आप सोच रहे हैं मैंने लहंगा वहंगा क्यों नहीं मंगाया आद्या के लिए। रीजन ये है कि उसके पास ऑलरेडी काफी अच्छे लहंगे हैं जो हमने लोकल मार्केट से खरीदे हैं, और कुछ हमने मतलब लास्ट ईयर जब मेरा गोद भराई का टाइम था उस टाइम पे हमने खरीदा था ऑनलाइन। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, लेकिन
क्योंकि वो पहले का परचेज किया हुआ है, तो इसलिए मैं अभी पहले वो नहीं दिखा रही हूँ। तो पहले मैं अभी जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है वो दिखा रही हूँ आपको। इसके अलावा मैंने आधे के पास ऑलरेडी काफी सारे लहंगे और घाघरा जो भी आप कह लीजिए इस तरह की चीजें बहुत सारी थी, तो इस बार मैंने सोचा कुछ नया करूं और इसलिए मैंने पैंट स्टाइल की सारी चीजें मंगाई। एक और चीज मैंने मंगाई जो एक फ्रेंड के थ्रू मंगाई है, जिनका व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ चिकन करी के कपड़ों का। तो चिकन करी के कपड़ों में जो है बच्चों का जो है उनके पास कुछ कलेक्शंस था, तो मैंने उसमें से दो सेट मंगाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मैंने ये पिंक एंड सी ग्रीन कलर का एक सूट मंगाया है, बहुत क्यूट सा लग रहा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। ये भी मैंने थोड़ा बड़ा साइज ही मंगाया है, आधे बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम वो साल भर तो इसको पहने, तो मैंने उसके लिए फिर से बड़ा साइज ही मंगाया है। ये है चिकन करी का कुर्ता जो बहुत सुंदर सा काम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो है प्लेन पैंट है, जिसके लेगिंग साइज टाइप का ये पैंट है, और नीचे भी लेगिंग के नीचे वाले पोर्शन में भी यहाँ पे चिकन करी का काम किया हुआ है। और इसके साथ एक छोटा सा क्यूट सा दुपट्टा है जो डबल कलर में डाई किया हुआ है। तो ये हो गया एक कॉटन का जो मैंने कपड़ा मंगाया है। यूजुअली होता है कि जब पूजा वगैरह में बैठते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी कपड़े बच्चों को चुभने लगते हैं, और इन सब टाइम में जो है पूजा काफी लंबी खिंच जाती है कभी कभी, तो गर्मी में बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये चिकन करी का कपड़ा मंगाया है, क्योंकि प्योर कॉटन है और इसमें गर्मी नहीं लगेगी और बच्चे कंफर्टेबल भी फील करेंगे और पूरे पूजा के थ्रू वो पहन भी सकते हैं। एक और मैंने मंगाया है जो व्हाइट कलर में है, ये किसी भी कलर में आप डाई करवा सकते हैं। तो मैंने व्हाइट इसीलिए मंगाया ताकि अगर मेरा मन करेगा तो मैं इसको किसी और कलर में डाई करा दूं। और ये अनारकली स्टाइल में है, फ्रॉक स्टाइल में, और इसका जो काम है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी मैंने इसलिए मंगाया ताकि सेम पूजा के पर्पज से ही मंगाया है। इसके साथ आया है एक प्लेन व्हाइट कलर का मतलब पजामा है, इसपे भी नीचे लेगिंग्स टाइप का है और नीचे काम किया हुआ है, लेगिंग्स के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन करी का काम है इसमें। तो इनके थ्रू अगर आपको तो मंगाना है कुछ भी चिकन करी का सामान, तो फिर मैं उनका व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि मैंने कहाँ से मंगाया है, और जिनसे मंगाया है उनका नाम भी मैंने मेंशन किया है। तो ये जो चार चीजें हैं जी मैंने रिसेंटली मंगाई हैं। और चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि आद्या के पास ऐसे कौन से कपड़े हैं जो पहले हमने खरीदे हैं और जो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। एक ये बहुत ही प्यारा सा पीच कलर का लॉन्ग ड्रेस है जो लेयर ड्रेस है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था आद्या के लिए, क्योंकि आद्या को प्रिंसेस बनना बहुत पसंद है और ये इसका पूरा लेयर ड्रेस है, लॉन्ग ड्रेस है उसका, और क्योंकि इसमें ऐसे स्ट्राइप बना हुआ है तो ये ऑल्टरनेट के स्टाइल में भी इसको वो पहन सकती है। तो ये मैंने मंगाया था अमेजोन से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ये भी बहुत ही क्यूट लगता है बच्चों के ऊपर, काफी कंफर्टेबल है ये, क्योंकि आद्या इसको एक दो बार पहन भी चुकी है, क्योंकि अभी रिसेंटली नहीं मंगाया है मैंने ये, मैंने 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने पहले मैंने मंगाया था इसको। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है उसके पास। एक बहुत ही प्यारा सा सेट है जो हमने लिया था, क्योंकि मेरी कजिन की शादी थी, मई में शादी थी जो आगे पोस्टपोन होते होते जुलाई में हुई उसकी शादी, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग कोई भी जा नहीं पाए। तो ये एक बहुत प्यारा सा लहंगा हमने लिया था आद्या के लिए, ये हमने एक लोकल मार्केट से ही लिया था। ये बहुत ही प्यारा इसका कलर है, क्रीम कलर का है, और यहाँ पे पर्ल्स लगे हुए हैं जो आद्या ने ऑलरेडी तोड़ भी दिए हैं। तो इसमें यहाँ पे इसका आंचल आता है, दुपट्टा आता है जो यहाँ पे पिन करने के लिए एक फ्लावर बना हुआ है, और इसका जो ब्लाउज है ये भी हॉल्टरनेक स्टाइल में आता है, जिसको मतलब इधर हॉल्टरनेक के स्टाइल में कर सकते हैं या फिर आप स्लीवलेस स्टाइल
स्टाइल में भी आप इसको पहन सकते हैं। जो ऑनलाइन मैंने लिया था उसके लिए लहंगा, उसका मतलब लहंगा तो मुझे मिल नहीं रहा है, शायद वो मेरी मदर के घर में है, लेकिन मैं आपको उसके लिंक्स मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सब है उसकी कलेक्शन है, और भी बहुत सारा उसके पास कलेक्शन है, जो बहुत सारे अलग अलग ओकेशंस पे वो उसने पहना है और वो पहनती है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आद्या इन सारे कपड़ों को पहन के कैसे लगती है। दैट्स इट गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो टेक केयर एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय।